हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के लाइव सेशन पे मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं सब्यसाची ब्लाउज की सिलाई कैसे करेंगे। कंप्लीट सिलाई बताऊंगा A to Z। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। जितने भी लोग लाइव सेशन पे आकर के जुड़ गए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करना चालू करो। और यहाँ पर आज संडे धमाका होने वाला है, कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। सब्यसाची ब्लाउज कैसे स्टिच करना है सब कुछ बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो, जो हमने कल कटिंग किया हुआ था, ये अस्तर और कपड़ा दोनों साथ में है, किसको कैसे पलटाना है, किसको कैसे चिपकाना है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो पूरा ध्यान से और पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा हर एक चीज़, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें करनी हैं, चलो हम शुरू करते हैं। एक बार फिर से कहूँगा, जो लोग अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं, वीडियो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप लोगों को इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलते रहें। चलो यहाँ पर देखो, ये वाला जो हिस्सा है जिसको हमने राउंड बेल्ट कटिंग किया हुआ है, इसको पहले देखते हैं। ये वाला जो चीज़ है, इसको आपको करना क्या है, अस्तर और कपड़ा रख करके इसको चिपकाना है। इसको हम पलटा सकते हैं डायरेक्ट। कैसे पलटाएँगे, इसको सीधा हम लेंगे, नीचे तरफ से इसको पलटा लेंगे। तो ये यहाँ पर सीधी सिलाई आपको करनी है। ये देखिए, इस प्रकार से ये ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद सेम टू सेम आपको दूसरा पीस भी लेना है। बस इसमें उल्टा सीधा का ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर दोनों एक ही साइड के लिए बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। वैसे इसमें इस तरह का राउंड शेप दिया गया है कि आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे की साइड से फिट हो जाएंगे। दोनों तरफ एक बराबर राउंड शेप दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये इस प्रकार से दोनों को पहले जोड़ लें, जोड़ने के बाद इसको आप पलटा लें, ये ऐसे। चाहें तो पलटाने के बाद ऊपर एक सिलाई लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से दूसरे पीस को भी रख करके ये ऐसे, सिलाई लगा लेना। ये हो गया। अब इसके बाद इसको ना पूरा पूरा आपको फोल्ड करते बन जाएगा। ये देखो, ये ऐसे, ये पूरा फोल्ड करने के बाद आप इसको चारों तरफ से स्टिच करके जोड़ दें। अब ये लाइव सेशन है फ्रेंड्स, तो लाइव लाइव की तरह होगा, इसमें सारी चीज़ें मैं स्पष्ट बताऊंगा। तो यहाँ पर कोई भी क्लिप आपको फास्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि होता है ना कि हम क्लिप फास्ट करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कुछ लोगों को कई चीज़ें समझ में नहीं आती। तो लाइव सेशन पे सिलाई इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ना हर एक चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, कोई भी क्लिप फास्ट ना करना पड़े। ये देखो, ये इस प्रकार से हमने बेल्ट को पूरा चारों तरफ से स्टिच कर दिया। और दोनों बेल्ट ऐसे ही करने हैं, सिर्फ एक नहीं करना है, दोनों आपको ऐसे ही करना है। ये देखो, इस तरह से रख करके, तो ये बेल्ट हमने दोनों तैयार कर लिए, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है। इसके बाद आएंगे हम दूसरे पीसेस पे, तो इनको अभी रख देते हैं, इसका काम हो गया, ठीक है। दूसरे पीस पर जब आएंगे, ये वाला देखना, फ्रंट पल्ले का ये मेन पीस है पफ क्रिएशन का। तो यहाँ पर इन दोनों को भी आपको पलटाना होगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर पलटाने वाला काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप चाहें तो सीधा सीधा इसको स्टिच भी कर सकते हैं, जो ऐसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो एक साइड से पलटा सकते हो, एक साइड से स्टिच लगा सकते हो। तो ये यहाँ से इस तरह से जोड़ दें, इसको मेन गले की तरफ से पलटाना होगा, ठीक है।
ये देखिए, दोनों को गले की तरफ से आपको स्टिच कर देना है, और उसके बाद इसको पलटाएंगे तो पलटाने के लिए हम यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा लेते हैं, ये ऐसे। अब उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से पलटा के ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। देखो दूसरा जो पीस है इसको भी ऐसे ही बिल्कुल पलटा करके ऊपर से एक सिलाई लगा दें। दोनों हो गया। अब इसके बाद इसको डायरेक्ट इस प्रकार से पलटाएंगे जिससे आपका नेक फिनिशिंग से आ जाएगा, डायरेक्ट पलट जाएगा, और बाकी तरफ तो ऑलरेडी इसमें स्टिच होना ही है तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप सीधा इसके ऊपर से सिलाई कर दोगे, ये ऐसे। ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड का भी करना होगा। और आज इस लाइव सेशन पे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसका वजह क्या है, क्योंकि आज का लाइव भी ना एक दूसरे तरह का लाइव है, ये प्रीमियर लाइव है, डायरेक्ट लाइव नहीं है। और जैसा कि रीज़न मैंने आप सभी लोगों को कल बताया था लास्ट में, जिन लोगों ने लास्ट तक कल का लाइव सेशन देखा है उनको पता होगा, है ना, ये जो लाइव है ये मैं पहले ही शूट कर चुका हूँ, लेकिन आपको लाइव की तरह ये दिख रहा है क्योंकि मुझे बाहर जाना था अर्जेंटली, जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया ताकि आप लोगों का लाइव सेशन मिस ना हो। क्योंकि हफ्ते में सिर्फ दो ही लाइव होते हैं और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज लाइव में क्या बताएंगे, इस हफ्ते लाइव में क्या बताएंगे। तो मैं हज़ारों लोगों के इस इंतज़ार को तो वेस्ट नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने लाइव पहले ही शूट कर दिया और आपको एक प्रीमियर लाइव की तरह ये दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों पीसेस हमने रेडी कर दिए। दोनों पीसेस रेडी करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एक और पीस है फ्रंट पल्ले का ही, ये वाला, इसको भी हम यहाँ पर ये ऐसे अस्तर और कपड़े को अटैच करेंगे, क्योंकि मेन इसी में समय लगना है अस्तर कपड़ा अटैच करने में। और अगर ये एक वीडियो होता, लाइव नहीं होता, तो मैं इसको बहुत जल्दी बता सकता था, सिर्फ एक से दो मिनट के अंदर मैं पूरा स्टिच हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं करना है। लाइव है तो लाइव की तरह चलने देते हैं। ठीक है, दोनों को इस तरह से रख लेना और इसमें सीधा सीधा सिलाई लगाना है आपको, पलटाने वलटाने का झंझट नहीं है। अगर चाहो यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से सिलाई लगाओ, और आज किसी के भी नाम नहीं ले रहा हूँ उसके लिए सॉरी। आने वाले लाइव में, अगले हफ्ते के लाइव में सबका नाम लूँगा, तो वेट करिएगा आप सभी लोग। और नाम लेने से वीडियो बहुत लंबा भी हो जाता है, ऐसा हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज देखिएगा आज का लाइव कितना लंबा होने वाला है, नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ उसके बाद भी, क्योंकि लाइव में जब एक्सप्लेन करते हैं ना चीज़ें तो टाइम लग ही जाता है, और स्टिचिंग में तो और बहुत टाइम लग जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है, पूरा स्टिच कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट पार्ट के लिए। और अभी हम फ्रंट पार्ट को ही रेडी करना देखेंगे, तो बैक पार्ट को अभी स्टिच नहीं करते हैं, सीधा फ्रंट को ही रेडी करना देखेंगे। बाद में स्लीव वगैरह जो हैं
और बैक पार्ट वो सब बाद में देखेंगे। अब देखना इसको ज्वाइंट कैसे करना है, ठीक है। तो ये सभी पीसेस हमने रेडी कर दिए हैं। अब ये एक दूसरे से इस तरह से ज्वाइंट होंगे। देख के ऐसा लगता है कि ये कैसे ज्वाइंट होगा, लेकिन चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये पफ क्रिएशन के लिए ना इतना दिया गया है। ये सीधा आप एक के ऊपर एक रखेंगे, एक उल्टा एक सीधा, और सिलाई करना चालू करेंगे, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से, तो ये इस तरह से राउंड करके आपको इसको फिट करना है। अगर थोड़ा बहुत कोई पीस छोटा बड़ा हो रहा है, घबराना नहीं है, बराबर छांट के मिला सकते हो, उससे कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। दूसरे पीस को भी सेम ऐसे ही, ये देखिए ऐसे रख करके इसको स्टिच करना होगा आपको। तो दोनों पल्ले जुड़ गए। अगर कोई भी छोटा बड़ा हो रहा है थोड़ा बहुत, तो घबराना नहीं, उसको छांट लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये राउंड शेप होता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो जाता है कोई कोई पीस, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ छोटा बड़ा हुआ नहीं, एकदम बराबर बैठा है। ये देखो अब इसमें हम बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे, नीचे का जो राउंड बेल्ट है। तो पहले ये जो दोनों पीस हैं इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम नीचे पाइपिंग भी ऐड कर सकते हैं चाहें तो। पाइपिंग कैसे ऐड करेंगे? राउंड बेल्ट पे, ठीक है। तो ये जो राउंड बेल्ट है इस पर पाइपिंग हमको अटैच करना है। कैसे अटैच करेंगे? ये वाला जो पीस है इस पर पाइपिंग रखेंगे, डोरी वाली पाइपिंग। हमेशा ध्यान रखना इस तरह की कंडीशंस में हमेशा डोरी वाली पाइपिंग ही लगती है। तो ये डोरी वाली पाइपिंग सीधा सीधा अटैच कर देना। पाइपिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ और आप लोग को दिए हैं, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अटैच करना दिखा रहा हूँ। पाइपिंग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये इस प्रकार से जो है इन्हें अटैच करना है। बिल्कुल सीधी तरफ से ही अटैच होगा पाइपिंग, और डोरी पाइपिंग लगाना आप सभी लोग जानते होंगे आई होप। जब आप सभ्य सांची ब्लाउज बनाने का ट्राई करेंगे तो आपको बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए, वही लोग सभ्य सांची को बना सकते हैं, हर कोई इसको नहीं बना सकता। आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप डिज़ाइनर पैटर्न पे जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पीस में पाइपिंग हमने लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमको करना क्या है, अटैच करना है ये बेल्ट को। तो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उसको पहले इस तरह से आप छांट दें, ठीक है। और मुझे लग रहा है आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज का ये जो लाइव सेशन है, लेकिन खैर कोई नहीं, आप सभी लोग लास्ट तक देखेंगे ना। कौन कौन वीडियो लास्ट तक देखने वाला है कमेंट करो, और पूरा देखोगे तभी तो समझ में आएगा यार, तो देखना तो पड़ेगा ही, है ना। तो ये हो गया, इनको अटैच करते हैं, फ्रंट पीस को कंप्लीट करते हैं, फिर बैक में आएंगे। ये देखो ये इस तरह से यहाँ पर फिट होना है, ये ऐसे, तो इसको उल्टी तरफ से फिट करना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना कि पाइपिंग के बाहर से सिलाई चलनी चाहिए, ताकि पाइपिंग जो है वो उभर के आए, है ना। नहीं तो आप पाइपिंग को ही दबा देंगे तो फिर लगाने का मतलब नहीं रह जाएगा। तो पाइपिंग के राइट साइड से आपकी सिलाई चलनी चाहिए, और पाइपिंग भी प्लेजर के अंदर ही होना चाहिए। तो प्लेजर के जो 2 फुट हैं राइट लेफ्ट, उसमें आपका डोरी बीच में रहना चाहिए और राइट साइड से सिलाई चलनी चाहिए। इसको मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी, तो उतना ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा अभी। इसमें भी अगर कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है, घबराना नहीं है, आप जो बड़ा हो रहा है उसको आराम से छांट सकते हो। बेल्ट ही थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उस शेप की वजह से ये हल्का सा बड़ा आएगा, इसको आप बाद में आराम से छांट सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये देखो
कुछ इस प्रकार से ये पाइपिंग लग करके आएगा। देखिए दूसरे पीस को भी ठीक उसी तरीके से फिट करना है, फिर दोनों को एक बराबर रख के छांट देंगे, है ना। सेम ऐसे ही फिट होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों साइड सेम प्रोसेस। बस इसको इस तरह से रखें और अटैच कर दें। और वीडियो क्वालिटी आज की कैसी आ रही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आज एक डिफरेंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। ये देखो एक बराबर इसको रख करके, राउंड शेप का बेल्ट है तो थोड़ा बहुत तो बड़ा छोटा होगा ही, एक बराबर आप इसको काटेंगे तो छोटा हो जाएगा, इसलिए बेल्ट को थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर देना पड़ता है, बाद में भले हम उसको छांट लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से दोनों साइड के बेल्ट्स फिट हो गए। अब इसको एक के ऊपर एक रख करके हम अच्छे से छांट लेते हैं, मिला लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखो ऐसे एक के ऊपर एक, एक उल्टा एक सीधा रख लेना और बराबर मिला लेना, चाहे हुकाई पट्टी की तरफ का हो चाहे साइड फिटिंग की तरफ का, एक बराबर इसको छांट लेना। लंबाई उम्बाई में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों तरफ से पलटा हुआ है। ये देखो इधर को भी बराबर मिला लेना, बेल्ट थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, छांट लेंगे, कोई इशू नहीं। ऐसे इंची टेप को रखना, सीधा मिला देना, ठीक है। ये ऐसे, ये सब छोटे छोटे बेसिक्स काम हैं जो कि सिलाई के वक्त करना ही पड़ता है। आप कितनों फिनिशिंग से कटिंग कर लो, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ही। अब ये हो गया, इसके बाद देखो ये जो ब्लाउज है ना, ये सामने हूँ पीछे हूँ दोनों बन सकता है, अभी ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हम इसको पीछे हूँ बनाएंगे, जैसा कि मैंने कल के लाइव में ही बता दिया था। तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से हाफ इंच के डिस्टेंस से आप इसको सिलाई कर दें, मजबूत डबल सिलाई के साथ में। और यहाँ पे सेंटर पे पाइपिंग लगा है तो उस बात का विशेष ध्यान रखना कि पाइपिंग अच्छे से यहाँ पर बैठना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। आपको नेक भी मिलाना है, लंबाई भी मिलाना है और पाइपिंग को भी मिलाना है। तो यहाँ पर अगर छोटा बड़ा करोगे तो फिनिशिंग में दिक्कत आ जाएगी, तो ये चीज़ बराबर मिलाना। अगर थोड़ा बहुत कहीं पे खींचने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा बहुत खींचना, ज़्यादा नहीं, वैसे ये बराबर बैठेगा अगर आपने अच्छे से कटिंग किया है, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको सीधा सीधा अटैच कर देते हैं तो दोनों पीस एक साथ जुड़ जाएंगे। ये देखिए अब ये ब्लाउज पीछे हुक्का बन जाएगा, सामने से हो गया पैक, ठीक है ना। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखोगे, ये ऐसे एक बराबर, देखिए पाइपिंग भी आया है, पफ भी एकदम बढ़िया दिख रहा है। तो ये है सब्यसाची ब्लाउज का पैटर्न, फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक इसमें मैंने ज़्यादा नहीं बताया, जिनको भी चल जाएगा वो लोग यहाँ पर नेक का साइज़ बढ़ा सकते हैं, मैंने 7 इंच बताया है, आप चाहें 8-9 आराम से रख सकते हो, जिनको रखना है, क्योंकि सब्यसाची पैटर्न्स में ये नेक ज़्यादा रहता है फ्रंट का, है ना, तो वो सबको चलेगा नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं, कम बताया है। अब ये जो पीछे का पल्ला है इसको देखना, इसको हम क्या करेंगे, अस्तर और कपड़ा पहले चिपका लेंगे, ये इस तरह से रख करके बराबर एक दूसरे के ऊपर रखना, और इसको भी हम चाहें गले की तरफ से आराम से पलटा सकते हैं, ताकि पाइपिंग वाइपिंग लगाने का झंझट ना रहे, सीधा सीधा इसको गले की तरफ से पलटा देते हैं, ये ऐसे। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज किसी के भी नाम नहीं ले रहा हूँ, तो प्लीज़ नाराज़ नहीं होना, क्योंकि आज ये एक डिफरेंट तरह का लाइव है, ये प्रीमियर लाइव है, डायरेक्ट लाइव नहीं हो रहा है, और अर्जेंट मुझे जाना था बाहर, इसलिए ऐसा मुझे करना पड़ा ताकि आप लोगों का लाइव सेशन मिस ना हो। तो ये देखिए गले की तरफ से हमने इसको स्टिच कर दिया, आप इसको पलटा लेंगे। तो पलटाने के लिए यहाँ पे बेसिक काम क्या करना है, कट्स लगाने छोटे छोटे इस तरह से, ये बहुत ज़रूरी है।
और ये वी शेप नेक है, बहुत ज़बरदस्त दिखेगा बनने के बाद। तो मैं इसका पूरा व्यू दूंगा आपको बनने के बाद किस तरह से दिखेगा क्या है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसको बनाने में समय लगेगा, ठीक है। ये लाइव पे ही आपको लगभग 1 घंटा रुकना पड़ेगा। तो ये देखें कुछ इस प्रकार से इसको ऊपर से सिलाई लगा करके पलटाना होगा। ये सिलाई जब हम ऊपर वाली लगा देते हैं ना तो पलटाने में कोई तकलीफ नहीं होती, डायरेक्ट पलटाते हैं तो कहीं कहीं पर फिनिशिंग की कमी आ जाती है। तो ये एक बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। मशीन का आवाज़ डिस्टर्ब कर रहा होगा ना, क्योंकि लाइव में इसीलिए मैं सिलाई का ज़्यादा लाइव नहीं करता हूँ, मशीन का आवाज़ डिस्टर्ब करता है। ये देखो ये इस प्रकार से इसको पलटाएंगे, इस पर आप चाहें प्रेस वगैरह का भी यूज कर सकते हैं जब आप इसको बनाएंगे तो पलटाने के बाद, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट लाइव चल रहा है, अब उठ के प्रेस करने के लिए नहीं जाऊँगा। तो ये इस तरह से रखते हैं और सीधा इसके ऊपर सिलाई करते हैं। गले की तरफ ही पलटाने के बाद सबसे पहला सिलाई आपको लगाना है और उसके बाद बाकी चारों तरफ आप इसमें सिलाई लगाएंगे, तो वो भी साथ ही साथ लगाएंगे हम अभी। और पीछे पल्ला बनाना तो बहुत बेसिक काम है, मेन जो था वो सामने पल्ले में था। अब देखेंगे इसको जॉइंट वगैरह कैसे करना है, आस्तीन कैसे चढ़ाना है, तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। स्टिचिंग रिलेटेड जितने लोगों को जो भी प्रॉब्लम रहती है ना आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये लाइव चल रहा है। ये देखो ये पूरा पूरा हम इस तरह से इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे ताकि अस्तर और कपड़ा बराबर चिपक जाए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो सब्यसाची ब्लाउज़ को बना के देखेंगे, एटलीस्ट खुद के लिए इसको ज़रूर बना के देखना, बहुत ही ज़बरदस्त ये पैटर्न है। और आज मैं फेस कैम भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। ये देखो ये इस प्रकार से हमने इसको पूरा चिपका लिया। पीछे पल्ले के डॉट भी हम चाहें यहाँ पर साथ ही साथ लगा सकते हैं, पीछे पल्ले में कमर पट्टी भी लगा सकते हैं क्योंकि सामने में कुछ पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो यहाँ पर देखो ये फ्रंट और ये बैक इस तरह से, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर इसको बीच से इस तरह से काटना होगा, क्यों, क्योंकि पीछे हुक बनाना है, ठीक। अब इसमें डॉट वगैरह लगाएंगे, कमर पट्टी लगाएंगे, हुकाई पट्टी लगाएंगे, तो ये सब काम रहेगा। चलो ये हुकाई पट्टी पहले लगाते हैं इस प्रकार से। आज ये पूरा ब्लाउज़ रेडी करके ही बताऊंगा डायरेक्ट लाइव पे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एक सब्यसाची ब्लाउज़ को बनाने में कितना समय लगेगा। डायरेक्ट लाइव चल रही है सारी चीज़ें, कुछ भी पहले से प्रिपरेशन नहीं है। एक जो पाइपिंग था उसको बस हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, है ना। तो ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर आप लोग भी इस तरह से बनाना चाहो बना सकते हो। ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से हम पहले नेक्स्ट शेप के लिए ये पट्टी को इसी शेप में सिलाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेक का शेप ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पट्टी है वो बाहर से लगने वाली है। ये देखो आई पट्टी हमेशा ब्लाउज़ के बाहर से लगती है, ब्लाउज़ के बाहर आती है,
तो अगर कुछ इस तरह का नेक शेप है तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चोचले कब होते हैं, जब आप पीछे हुक का ब्लाउज़ बनाते हो, है ना। सामने हुक में भी होता है लेकिन पीछे में ज़्यादा फिनिशिंग और दिखानी पड़ जाती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आप दो तीन सिलाई लगा सकते हो हुकाई पट्टी के लिए। आई पट्टी में बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आई पट्टी हमको थोड़ी मोटी चाहिए। तो ये देखिए, बराबर इसको नीचे से काट दिए, आई पट्टी तैयार। अब एक साइड हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी लगाएंगे तो वो सिर्फ अस्तर से बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये ब्लाउज़ के अंदर जाके लगना है, इसमें कोई इशू है नहीं। ये देखो, ये इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको अंदर इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा जो है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये पहले नेक शेप को ध्यान में रखते हुए इसको फोल्ड कर लें अच्छे से। नेक शेप आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। नीचे बराबर काट दें क्योंकि ऑलरेडी उसमें पट्टी लगनी है। कौन सी पट्टी? कमर पट्टी, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से बराबर रखना, ये ऐसे मिला के देख लेना। पहले नीचे के लिए निशान लगा लेना कमर पट्टी के लिए, उसके बाद यहाँ पर डॉट लगा देना, ये ऐसे। क्योंकि हुकाई पट्टी में जो हुक वाली पट्टी का सिलाई या दूसरा सिलाई, वो हम कमर पट्टी डालने के बाद लगा देंगे तो उससे फिनिशिंग और अच्छी आएगी। ये डॉट लग गया एक साइड का, दूसरे साइड का भी सेम ऐसे ही लगा देना है। पीछे पल्ले के डॉट में कुछ खास होता नहीं है, हाफ इंची डॉट यहाँ पे डालना होता है। ये देखो इस प्रकार से, अब ये हो गया। इसके बाद इसमें नीचे कमर पट्टी डालना है। कमर पट्टी डालने से पहले इसका लेंथ एक बार चेक कर लें किस लेंथ पे है, ठीक है, ताकि आपका ब्लाउज़ सामने और पीछे एक बराबर लेंथ पे आए। यहीं से लोग बोलते हैं ना कि सर हमारा सामने पल्ला बड़ा हो गया, पीछे छोटा हो गया, या पीछे बड़ा हो गया, सामने छोटा हो गया। आप चेक नहीं करते हैं इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इसको बराबर पहले छांट लें, पट्टी लगाने से पहले थोड़ा सा शेप दे दें और उसके बाद इसको फिटिंग करें। किसको फिटिंग करें? कमर पट्टी को। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसमें रखेंगे। जहाँ पर पीछे पल्ले में डॉट है वहाँ पर पट्टी में भी डॉट देना। और ये हुक पट्टी वाला है तो इसको थोड़ा छोटा काटेंगे कमर पट्टी को, और ये हुक पट्टी वापस ऐसे पलटा के उसके ऊपर कमर पट्टी रखेंगे। उल्टा पलटा देना और कमर पट्टी उसके ऊपर रख देना, ठीक है। अब ये देखना, बहुत अच्छे तरीके से पलटेगा। पहले यहाँ पर हम एक ऊपर सिलाई लगाते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये सिलाई लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये इस प्रकार से, ये देखिए, इसको पलटा लेंगे, ठीक है ना। नोक वगैरह बराबर निकाल लेंगे और उसके बाद इस पे ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगाने से पहले ये कॉर्नर को आपको अच्छे से फोल्ड करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि वो फूचड़ा उचड़ा ना दिखे, वो बहुत दिक्कत हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, इनको फिनिशिंग के लिए ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये फूचड़ा ना दिखे इसलिए इसको पहले से मोड़ दिए, और उसके बाद अब ऊपर से आप इसमें स्टिच कर सकते हो, ये ऐसा। और ये वाली लाइन पे भी सिलाई करना है, ये कच्चा होगा क्योंकि अंदर यहाँ पे पूरी तुरफाई आने वाली है, सिलाई ना दिखे इसलिए, है ना। तो ये कच्चा करना है, तुरपाई कम से कम कमर पे तो कर ही लिया करो यार, वो सिलाई ख़राब दिखता है।
अब ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड का भी आपको पट्टी लगाना है, कमर पट्टी, तो ये बहुत इजीली लगेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। सीधा सीधा इसको इस तरह से रखें और इस प्रकार से रखने के बाद इसको अटैच कर दें। बस यह ध्यान रखना कि जहाँ पे डॉट है वहाँ पे पट्टी पे भी छोटा सा डॉट दे देना, और उसके बाद जितना ज़रूरत उतना पट्टी लगाएं, बाकी एक्स्ट्रा को काट दें, ठीक है, ये ऐसे। और फिर इसको पलटा लें, तो पलटा के ऊपर से एक सिलाई लगा दें, ये ऐसे। और ये सिलाई लगाने के बाद जैसे ही आप ये सिलाई लगाओगे पट्टी आपकी पलट जाएगी, अंदर इसको ये इस तरह से फोल्ड करना और ये कच्चा करना है, कच्ची सिलाई, क्योंकि इधर भी तुरपाई होगी, ये इस प्रकार से देखो। ये जो पट्टी है इसको अंदर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है, ठीक है, ताकि फुचड़ा बाहर ना आए। अब ये हो गया, अब पीछे पल्ला भी रेडी, सामने पल्ला भी रेडी, और अब क्या करना पड़ेगा, सामने और पीछे पल्ले को ज्वाइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, सामने पल्ला लेंगे पहले, ये देखो इस तरह से। अब इस सामने पल्ले में पीछे पल्ले को एक एक करके रखना है, क्योंकि पीछे पल्ला दो पीस हो गया, सामने एक पीस, तो पीछे पल्ला उल्टा रखेंगे, सामने पल्ला सीधा शोल्डर से ज्वाइंट कर देंगे, है ना। अब इधर का काम बहुत बेसिक काम है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते, जो लोग कुछ कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अभी अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप आस्तीन वगैरह चढ़ाएंगे, साइड फिटिंग कैसे करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, भले एक घंटा लग जाए। ये देखो ये हो गया, अब डबल यहाँ पर मजबूत सिलाई लगा दें शोल्डर ज्वाइंट पर, अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप शोल्डर ज्वाइंट पे इंटरलॉक भी कर सकते हैं साथ ही साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसको ये ध्यान रखना, ये जोड़ने के बाद आपको इसमें क्या करना है, आस्तीन फिट करना है, तो आस्तीन में तो ना अस्तर है ना कुछ, तो आस्तीन को जल्दी से फिट करेंगे, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा कि ये बराबर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ठीक है। अब ये जो चेक करने का फॉर्मूला है वो कैसा रहता है, वो भी मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये एक तरीका होता है चेक करने का। ये देखिए, आपका कट टू कट मिलना चाहिए, आस्तीन का कट और ब्लाउज का कट, अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा आपको छांटना पड़ता है आर्म होल को। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर इसको हम कटिंग के वक्त नहीं कर सकते क्या, तो जी नहीं, आप इसको कटिंग के वक्त नहीं कर सकते हैं, ये आपको सिलाई के वक्त ही करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर रख के थोड़ा सा छांट देते हैं, थोड़ा सा कट अंदर आ रहा है ब्लाउज का, ये इस तरह से हल्का सा छांट देंगे, फिर आस्तीन बैठ जाएगा, कोई इशू नहीं। यही जो कपड़ा थोड़ा सा जो निकाले हैं वो एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से एक दो चुन्नटें आ जाती हैं आर्म होल पर। सामने पल्ले को भी बराबर यहाँ पर रख करके मिला देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप आर्म होल छांटेंगे आपका सामने पल्ले का शेप जो गहराई था वो ख़राब हो जाएगा, तो उसको आपको वापस से बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। बहुत से लोग छांट तो देते हैं लेकिन सामने पल्ले को नहीं बनाते, तो सामने पल्ले का जो झोल है ना उनका जाता नहीं, पीछे का चला जाता है, सामने का नहीं जाता, उसका रीज़न क्या है, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि आप सामने पल्ले का शेप दोबारा नहीं बनाते हो, ठीक है। ये दूसरे साइड को भी सेम ऐसे ही छांटना है, एक बराबर ये इस तरह से यहाँ पे रखना, ये देखिए, और इसको छांट देना, बस इतना ही निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, इससे ज़्यादा नहीं। सामने पल्ले का शेप वापस से क्रिएट करते हैं और आस्तीन चढ़ाते हैं, ये देखो, ठीक है। अब आस्तीन फिट करना बेहद इजी प्रोसेस है, अगर आप फिटिंग बाद में करते हो
है ना, आस्तीन पहले लगाते हो, फिटिंग बाद में करते हो, तो बहुत इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि सर आप फिटिंग करने के बाद आस्तीन चढ़ाना बताइए, गोल आस्तीन चढ़ाना बताइए। तो चलो वो भी बताएंगे किसी दिन, लेकिन आज नहीं, है ना। आज ऐसे ही ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, कुछ लोग देख पाएंगे, कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, बहुत से लोग तो छोड़ के चले गए होंगे वीडियो को, तो किसी और दिन अच्छे से बताएंगे उसको। ये इस प्रकार से सेंटर से आप फिट करना चालू करेंगे, ब्लाउज सीधा रखना, आस्तीन उल्टा। अब कंफ्यूज नहीं होना कि आस्तीन सीधा रखा है, वो पलटा हुआ है ना, बॉर्डर जो आपको सीधा दिख रहा है ये पलटा हुआ है, आस्तीन उल्टा रखा है। अब इसको हम इस तरह से सेंटर से फिट करने के बाद दूसरी साइड आएंगे, ये ऐसे, कोई भी चीज़ आज इस वीडियो में मैंने स्किप नहीं किया, एक एक चीज़ बताया है, तो आप लोग को आई होप ये चीज़ पसंद आया होगा। ये देखिए दूसरी साइड भी आप इसको फिट आराम से कर सकते हो, बस आस्तीन को थोड़ा थोड़ा खींचना पड़ता है फिट करते टाइम, क्योंकि आस्तीन हल्का सा छोटा पड़ता है फिटिंग करते टाइम, और उसको छोटा ही बताया गया, ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर झोल वोल आने लग जाता है, तो उसके लिए हल्का सा छोटा पड़ता है, हल्का से आस्तीन को खींचना पड़ता है। अगर आप एक टेलर हैं तो आपका हाथ बैठा होगा, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से डबल मजबूत सिलाई इसमें कर देना है। अब ठीक ऐसे ही दूसरे साइड का भी आस्तीन हम फिट करेंगे, है ना। एक साइड का तो हो गया अच्छे से, दूसरे साइड का भी फिट करेंगे। ये देखिए अभी ये धागा कट गया है, इसको पहले लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा था कि शोल्डर वगैरह जो है यहाँ पर आप बराबर चेक कर लेना, जैसे आर्म होल को चेक करते हैं, शोल्डर पट्टी को भी थोड़ा चेक कर लिया करो, अगर छोटा बड़ा रहता है उसको मिला लिया करो, उसके बाद ही आस्तीन को फिट किया करो, है ना। ये इस तरह से रख करके इसको भी फिट करना चालू करते हैं, इधर भी आस्तीन उल्टा ही रहेगा, ब्लाउज सीधा आस्तीन उल्टा, ये ऐसे हल्का हल्का आस्तीन को खींचते हुए फिट करना। ये देखिए अब दूसरी साइड आते हैं, तो यहीं से सिलाई रिपीट करेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट फिटिंग, यहाँ पर भी मजबूत डबल सिलाई कर देते हैं। काफ़ी टाइम लग गया, कुछ लोग बोर हो गए होंगे और कुछ लोग तो वीडियो छोड़ के भी चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बाद में देख लेना, आराम से देख लेना, कोई इशू नहीं है। ये इस प्रकार से दोनों साइड का आस्तीन हमने फिट किया। अब इसके बाद क्या काम रहता है, साइड से ज्वाइंट करना है। तो फुचड़ाबंद सिलाई करने के लिए आपको यहाँ पर पहले सीधी तरफ से बिल्कुल कॉर्नर से अटैच करना है, बिल्कुल कॉर्नर से ना, ताकि आपका ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर वेस्ट ना हो। अब यही सिलाई लगाते वक्त ना लोगों को समझ में आता है कि हमारा सामने पल्ला छोटा हो गया, पीछे पल्ला बड़ा हो गया, या जो भी है वो क्यों होता है, मैंने इस वीडियो में आप लोग को क्लियर किया है। जो लोग नहीं देख पाए हैं रिवर्स करके देख लेना, मैंने बताया कि कैसे उसको आपको चेक करना होता है। और ये आस्तीन पे लेस लगाए ना, तो ये फुचड़ाबंद सिलाई जब हम इसमें लगाएंगे वो बहुत मोटा हो जाएगा,
तो खैर आस्तीन का कोई दिक्कत नहीं है, ब्लाउज़ में नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा पार्ट आप इसको कटिंग कर दें थोड़ा बहुत जो भी है। अब इसको सीधा इस तरह से पलटाएं, ये देखिए। पलटाने के बाद ये इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई आपको लगानी है, उल्टा पलटा के कॉर्नर से ही सिलाई लगाना है ये भी, क्योंकि ये कोई फिटिंग वाली सिलाई नहीं है। फिटिंग वाली सिलाई हम लास्ट में लगाएंगे, उसको भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये सिर्फ पलटा करके ये अंदर से सिलाई लगा रहे हैं। ये ऐसा यहाँ पर कपड़ा थोड़ा मोटा हो गया, इसलिए आराम से यहाँ पे सिलाई लगाने की आवश्यकता है। अब दूसरे साइड का भी सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर दूसरे साइड का भी पहले सीधी तरफ से जोड़ना है, सीधी तरफ से जोड़ने के बाद उल्टी तरफ से जोड़ेंगे। ये हो गया। अब थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दें, ये मोटा हो जाता है अंदर रखने से। तो उसके बाद इसको भी पलटा के आप अंदर से सिलाई लगाएंगे। देखो इसमें मैंने कोई लेस वगैरह लगाना नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, गले पे पाइपिंग वाइपिंग भी नहीं बताया हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी ये एक डिज़ाइनर पैटर्न है, तो इस पर ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत है नहीं। धागा ख़त्म हो गया, तो ये लास्ट में एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई। हमने एक्स्ट्रा बॉबिन रखा हुआ है, ये देखिए, इसको लगाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। समय बच जाता है ऐसा करने से। आप लोग भी सिलाई करते हैं ना, दो तीन बॉबिन एक्स्ट्रा रखा करो, धागा भर के रखा करो, ख़त्म हो जाए तुरंत लगाओ और कंटिन्यू करो। वो धागा वागा भरने वाला काम टेंशन रखता है। ये देखिए इस तरह से, लेस के पास थोड़ा सा मोटा हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, चल जाएगा। थोड़ा सा स्लो सिलाई करेंगे। अब लास्ट में फिटिंग की बात आती है। इंची टेप से बराबर नाप के आपको फिटिंग करनी है, ठीक है। कमर को सबसे पहले चेक कर लेना, कमर हमको कितना रखना है। लूजिंग डाल देते हैं, एक इंच का 29 है तो 30 पे बिठाते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी कितना है, ये 33। इसको 30 पे बिठाने के लिए ये इस तरह से 3 इंच कम करना पड़ेगा, मतलब 1.25 इंच आपको दबाना है कमर को, ठीक है। 3 इंच कमर को कम करना है, मतलब 1.25 इंच दबाना पड़ेगा दोनों साइड से, फिर 4 पल्ले हैं तो कम हो जाएगा। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, चेस्ट, ठीक है। तो चेस्ट को मेजर करते हैं ये इस तरह से। चेस्ट हमको कितना रखना है, यहाँ पर फिटिंग किसके हिसाब से डालेंगे। अपर चेस्ट हमारा कितना है, 33, 2 इंच की लूजिंग ऐड किए थे, 35, तो 35 के हिसाब से यहाँ पर फिटिंग डाल देते हैं। ये ऐसे बराबर नाप के देख लेते हैं, तो चेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, हमको यहाँ 2 इंच कम करना पड़ेगा। 2 इंच मतलब 1/2 इंच कम करना पड़ेगा चेस्ट में, चौथा हिस्सा कम करना है। तो अब ये बात हो गई चेस्ट और कमर की। आस्तीन गोलाई हमारी कितनी है, 5.5, 11 इंच था ना, तो ये हो जाएगा 5.5। 5.5 का निशान लगाते हैं इस तरह से, 1/2 इंच चेस्ट को दबाएंगे, 1/2 इंच कमर को,
तो ये समझ में आया लॉजिक कि फिटिंग कैसे करते हैं, एक बार रिपीट देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और कटिंग वाली वीडियो भी देख लेना क्योंकि इसमें मैंने मेजरमेंट क्लियर किया था। ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे सीधी सिलाई। कैसे सीधी सिलाई होगी भाई, यहाँ पर इंची टेप रखें और ये इस तरह से, आप यहाँ पे स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है टेप का ही यूज़ करना है। ये देखो ऐसे, तो बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पर एक सिलाई, सिंगल सिलाई बस डालेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। यहाँ पे आप दो तीन सिलाई डाल सकते हो थोड़ा थोड़ा गैप में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो इस तरह से, ये हो गया। अब दूसरे साइड आ जाते हैं, सेम प्रोसेस, दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले 5.5 आस्तीन गोलाई, कमर, ठीक है, कमर अब तो 1.25 इंच और चेस्ट 1/2 इंच, फिर आस्तीन गोलाई ये 5.5 डायरेक्ट नापना है ये ऐसे, और मिला लेना है। सेम मिलेगा फिर से, यहीं पर लोग बोलते हैं कि सर हमसे सीधी सिलाई आती नहीं है, तो देखो कभी कभी कुछ कुछ कंडीशंस में नहीं आते हैं, जैसे आपका आस्तीन गोलाई बेहद ही कम है और आस्तीन की लंबाई छोटी है बहुत, और आस्तीन गोलाई बहुत कम है चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर सीधी सिलाई लाना मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में आप सीधी सिलाई पर फोकस ना करके फिटिंग पर फोकस करें, आपकी फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, सिलाई थोड़ा बहुत अंदर रहेगा कोई उससे दिक्कत नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा संभल के सिलाई चलाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे मोती वगैरह है अंदर लेस में, डर लगता है सुई ना टूटे, कोई दिक्कत ना हो, तार निकल गया। अब ये लाइन से पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाता हूँ। जो भी दिखाया डायरेक्ट लाइव दिखाया मैंने आप लोग को, बस एक ही सिलाई लगाते हैं। आप लोग यहाँ पे 2-3 सिलाई लगा लेना थोड़ा थोड़ा गैप में, ताकि कभी खोलने की ज़रूरत पड़े तो वो ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए। अब चलिए इसको देखते हैं, इसका फाइनल लुक कैसा है, क्या है, आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये देखो इसको सीधा करते हैं, और ब्लाउज़ बनाने के बाद लास्ट में उसको प्रेस ज़रूर करना चाहिए, हालाँकि मैं यहाँ पर प्रेस करके आप लोग को नहीं दिखाऊँगा, लेकिन जमा के दिखाएंगे थोड़ा सा, है ना, प्रेस करके नहीं दिखाऊंगा कि लाइव सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक करो यार, क्यों आप लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, फटाफट लाइक करो। इतना लंबा मैंने ये शूट किया, डायरेक्ट लाइव किया, इतना एनर्जी लगता है, इतना मेहनत लगता है, आप लोग प्लीज़ वीडियो लाइक करें तभी तो मज़ा आएगा, है ना। ये देखिए, हालांकि ये प्रीमियर लाइव है इसीलिए मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, जैसा कि मैंने बताया कल भी मैंने प्रीमियर लाइव किया था और आज भी प्रीमियर लाइव ही कर रहे हैं। थोड़ा सा क्रीज वगैरह इसमें लगा लें, अच्छे से जमा लें, और आप इसको एकदम बढ़िया प्रेस करके कस्टमर के लिए बना रहे हैं या खुद के लिए, आप इसमें प्रेस जरूर अच्छे से करें, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को भी आप कुछ अच्छा करके दोगे तभी तो वो आपके पास दोबारा आएंगे ना। तो प्रेस वगैरह जब लगाते हो ना थोड़ा अच्छे से किया करो, ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, फिनिशिंग आपको ध्यान में रखनी है। ये देख सकते हो ये इस प्रकार से, ठीक है। अब ब्लाउज़ को एकदम सीधा रखते हैं, मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाता हूँ। ये देखो ये देखो, कुछ इस प्रकार से ये पैटर्न हमने पूरा का पूरा तैयार किया। मैं थोड़ा इसको और उधर ले जाके दिखाते हैं आप लोग को, ताकि बराबर दिखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, काफ़ी टाइम लग गया इसको बनाने में, एक एक चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोग को शो किया जो है जैसा है, किस तरह से एक ब्लाउज की सिलाई में कितना टाइम लगता है आपको समझ में आ गया होगा, सभ्यसाची के लिए स्पेशली। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो लाइक करो यार, वीडियो लाइक करोगे तभी मुझे मज़ा आएगा। अगली लाइव सेशन में सबका नाम लूंगा और
आज किसी का भी नाम नहीं लिया, तो प्लीज़ उसके लिए नाराज़ नहीं होना, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये एक प्रीमियर लाइव है। प्रीमियर लाइव पहले से मैं शेड्यूल किया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे एक शादी अटेंड करना था, जिसके चलते मैंने ये सब किया पहले से, ताकि आप लोगों का लाइव सेशन मिस ना हो और आप लोगों के लिए जो मैं नॉलेज हर हफ्ते लाइव पर लेके आता हूँ वो भी मिस ना हो। ये एक प्री शूटेड है, प्री शूटेड शेड्यूल लाइव है, पहले से मैंने शेड्यूल कर रखा है, और शनिवार का भी आपने देखा, रविवार का भी देखा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। जिनको यार हमारी वीडियो अच्छी लगती है वो लोग लाइक करते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता लाइक नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइव सेशन पे जब भी आता हूँ प्लीज़ आप लोग वीडियो उसको लाइक करें, और ये देख करके अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक्स अच्छे खासे करते हैं और आप लोग हमेशा लाइक टारगेट को कम्प्लीट भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के इस लाइव सेशन पर जुड़ने के लिए। सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।